ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो ब्रॉक लेसनर काम करते हैं WWE में सिर्फ पैसों के लिए। अभी बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस ने। इसके अलावा रेसलमेनिया 35 के लिए एक न्यू मैच कंफर्म हो गया है। आज स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला और रोमन रेंस ने अपने कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स रिवील किए कि फास्ट लेन में उनके पहले मैच से पहले उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा था। तो अगर आप लोग इन सही बातों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, जैसे कि आप लोग जानते हैं हर फ्राइडे को आता है श्री अखाड़ा, जो कि इस बार भी आने वाला है। और इसके रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी कर दी, जहां पर जाकर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर हमें आपका क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वो फीचर होगा असली अखाड़ा के अगले एपिसोड में। तो जाओ यार, जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस पोस्ट पर कमेंट करो और जाए रहो यार तो हर बार की तरह फॉलो करना भी मत बोलना। तो चलिए सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है एक न्यू रेसलमेनिया 35 के मैच से। और ये कंफर्म हो गया है, और ये जो मैच है वो हम लोगों ने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि ये मैच है द मिज वर्सेस शेन मैकमैन के बीच। और फाइनली शेन मैकमैन ने स्मैकडाउन लाइव पर आकर एड्रेस किया चीजों को, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसी बात करी नहीं, बट अभी मैच सेट हो चुका है रेसलमेनिया 35 के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि फिर से हुई है स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से, जहां पर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलते हैं विंस मैकमैन, वहां पर कोफी किंगस्टन भी होते हैं। यहां पर काफी सारी बुरी बातें विंस मैकमैन करते हैं कोफी किंगस्टन के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और यहां पर एक और नया चैलेंज आ चुका है कोफी किंगस्टन के सामने, क्योंकि अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में कोफी किंगस्टन को फेस करना है रैंडी ओटन, समोआ जो, सिजारो, शेमस एंड एरिक रोवन को। और ये होगा एक गॉन्टेट मैच में, और अगर इस गॉन्टेट मैच में जीते कोफी किंगस्टन तो ही जाकर वो फेस करेंगे डैनियल ब्रायन को एट रेसलमेनिया 35। तो यहां पर कह सकते हैं एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी है कोफी किंगस्टन के सामने, हालांकि ये सभी सुपरस्टार उसी वक्त वहां पर आते हैं और न्यू डे का में वहां पर अपर हैंड भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है अगली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में और क्या मौका मिलता है कोफी किंगस्टन को। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। तो रिसेंटली यहां पर सेथ रॉलिंस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हम कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल बात करी ब्रॉक लेसनर को लेकर। यहां सेथ रॉलिंस ने अपना पैशन दिखाया कि कितना ज्यादा रेसलिंग में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इस बिजनेस की बेइज्जती करता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर थप्पड़ पड़ रहा है। और यहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच को लेकर भी बात करी, और उन्होंने यहां पर ये कहा कि ब्रॉक लेसनर प्रो रेसलिंग में सिर्फ अपने लिए और सिर्फ पैसों के लिए है। तो ये बात यहां पर सेथ रॉलिंस की कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब क्या ये स्टोरी लाइन से रिलेटेड उन्होंने चीज कही या फिर वो सच में ऐसा बिलीव करते हैं, बट खैर ये एक अलग चीज है क्योंकि यहां पर दोनों चीजों को उन्होंने मिक्स किया। लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर एक अलग सुपरस्टार है, ये बात तो मानी जाती है कि वो पैसों के लिए काम करते हैं। बट सेथ रॉलिंस का ऐसा कहना हो सकता है उनके रेसलिंग 35 की फ्यूड को लेकर भी हो, या हो सकता है उनके सच में ऐसे ओपिनियन हो। लेकिन ब्रॉक लेसनर भी एक अलग सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी रेसलिंग में काफी कुछ किया है। तो सेथ रॉलिंस का यहां पर इन बातों को कहना कह सकते हैं रेसलिंग 35 के मैच में भी कहीं ना कहीं आग डाल रहा है, और पता लग रहा है कि सेथ रॉलिंस इस चीज को काफी ज्यादा पर्सनल ले रहे हैं। और अगर ये पर्सनल ले रहे हैं तो सच में काफी अच्छी बात भी है, क्योंकि जब कोई फ्यूड पर्सनल बन जाते हैं तो मुझे लगता है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट वाली हो जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सभी बातों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। अब बात रही यहां पर थॉट्स की, तो रोमन रेंस ने अपने थॉट्स रिवील किए फास्ट लेन से पहले। आप लोग जानते हैं कि किसी भी सुपरस्टार के लिए इतने टाइम के बाद रिंग में दोबारा आना, रेसल करना, और वो भी ल्यूकेमिया को बीट करके आना रोमन रेंस के लिए सच में काफी टफ काम था। लेकिन उन्होंने यहां पर अपने थॉट्स रिवील किए कि उन्हें फास्ट लेन से पहले कैसा लग रहा था। रोमन रेंस ने यहां पर ये कहा कि वो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे और वो काफी ज्यादा नर्वस भी थे। यहां उन्होंने ये भी कहा कि रिंग में रहना एक अलग ही चीज होती है, मैंने कुछ ट्रेनिंग सेशंस किए, मैंने वर्कआउट किए, लेकिन रिंग में रहना जब आपके सामने पूरी क्राउड होती है, लाइट्स आपके ऊपर होती है, तो वो एक काफी अलग ही चीज होती है। लेकिन फिर रोमन रेंस का कहना यहां पर ये भी था कि अगर एक बार आप लोग रिंग में एंटर कर जाते हो तो फिर चीजें आपके लिए पहले से ज्यादा नॉर्मल होने लगती हैं। तो यहां पर रोमन रेंस ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे इतने लंबे टाइम के बाद उन्होंने किया अपने रिंग में रिटर्न, और क्या क्या चीजें फेस कर रहे थे फास्ट लेन के मैच में रेसल करने से पहले। तो बस आज की वीडियो ये तक थी, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना कि आपके क्या ओपिनियन है कोफी किंगस्टन एंड विंस मैकमैन के साथ हमें जो देखने को मिला स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में, और क्या आपको लगता है कोफी किंगस्टन जीत जाएंगे मैच को और फेस करेंगे डैनियल ब्रायन को एट रेसलमेनिया 35। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की लेटेस्ट अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।